हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एजुकेशन हब। तो फ्रेंड्स, आज की सबसे बड़ी अपडेट न्यूज़ मैं आप तक लेके आ चुका हूँ। आप सभी को पता है कि रेलवे के अंदर जो एनटीपीसी की भर्ती आ रखी है उसकी एग्जाम डेट से रिलेटिव मैं आपको बहुत ही बड़ी जो अपडेट देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर एनटीपीसी की जो भर्ती आ रखी है उनका जो एग्जाम डेट है वो भी जारी कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, भोपाल की वेबसाइट है, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे एनटीपीसी एग्जाम डेट की। दोस्तों, तो यहाँ डेट को लेकर आप बहुत बड़े खुश होंगे क्योंकि रेलवे ने डेट जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों, रेलवे के अंदर कौन सी कब किस माह के अंदर आपका एग्जाम होगा एनटीपीसी का, तो सबसे बड़ी खुशखबरी लेके आ चुके हैं। और रेलवे संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर लीजिए, जो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये नोटिस आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपका जो नया नोटिस है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम डेट की बात करते हैं तो पहले सीबीटी फर्स्ट का आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यहाँ पर देखिए, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। यानी इनके मध्य जून के अंदर भी आपका एग्जाम हो सकता है, लेकिन जून के अंदर संभव नहीं है। जुलाई के अंदर दोस्तों संभव नहीं है। जुलाई, अगस्त के अंदर, अगस्त और सितंबर के अंदर आपका एग्जाम्स शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी आचार संहिता लगी है, वोटिंग लगी हुई है, उसके बाद में एनटीपीसी जो आपको पता है, जो लोको पायलट असिस्टेंट है उनके लिए आपको जो सीबीटी पास करने के बाद में आप सभी को पता है उनका जो साइको भी होने वाला है, उसके बाद में इनको ज्वाइनिंग देने वाली रेलवे ग्रुप डी की जो फिजिकल है उसके बाद में ये भी कार्य प्रगति पर है। और दोस्तों, ये भी चीज़ आपको बताएं कि आरपीएफ के कांस्टेबल के फिजिकल भी शुरू होने वाले हैं अप्रैल महीने से। तो यानी जो आपका जून और जुलाई के अंदर आपका जो एग्जाम है वो नहीं होगा, यानी आपको तैयारी करने के लिए अभी भी देख सकते हैं आपके पास में मार्च पड़ा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, जुलाई, यानी लगभग लगभग 5 महीने आपके पास है। 5 महीनों के अंदर आप बहुत ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं, तो यहाँ आप बहुत ज़्यादा तैयारी कीजिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप जितनी तैयारी करेंगे उतना आपको बढ़िया रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है एनटीपीसी की बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही जो पोस्ट ग्रेजुएट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट ग्रेजुएट है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहे। और रेलवे संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन उसे भी क्लिक कर लीजिए, जो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगी। तो दोस्तों, नए वीडियो फिर मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद।